सामान बेचने वाले स्कूलों पर अब 2600 रुपए का सेट, ये मेरा भाई देख रहा है, दिया एक बजे बड़ा रजिस्टर दो दे, इसका रेट देख लो, मैं रेट पर बात करूंगा। अरे ये बेच रहा है एक के साथ एक फ्री, वो 2650 का दे रहा है, ऐसा क्यों है? इसका मतलब गुंडा कर दी है। ये देखो ये रेट क्या है, 180 रुपये। मिद्रा भाई तो 180 में दो दे रहा है? हाँ जी 180 में दो, 180 में दो दे रहा है। स्कूल वाले दे रहे हैं एक, क्यों दे रहे हैं? सामने सामने बात कर रहा हूँ मैं। पर सर पेरेंट्स पे मजबूर है क्योंकि स्कूल वाले कहते हैं। अरे पेरेंट्स को मजबूरी मैं क्या करूँ, कार्रवाई क्यों नहीं करते डिप्टी कमिश्नर, कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार, कार्रवाई क्यों नहीं करती उनके ऊपर जो गुंडागर्दी डाली हुई है, उनको पकड़ो जेलों में बंद करो सालों को, जो इस तरह की गुंडागर्दी करके लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार, कुछ स्कूल वाले, सारे नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ स्कूल वालों के विषय के अंदर बात कर रहा हूँ, और गुंडागर्दी करने वाले कभी बर्दाश्त नहीं हूँ। माननीय उपराज्यपाल जी, जब सब पर कार्रवाई हो रही है तो ये स्कूल वाले, कुछ स्कूल वालों ने गुंडागर्दी डाली हुई है, इन पर कार्रवाई करने का प्रयास करो, और पकड़ करके इनको जब तक इनकी सदस्यता रद्द नहीं करोगे ये कार्रवाई के विषय के अंदर कोई बात नहीं होगी। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस तरह संदर्भ के अंदर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। 180 का रजिस्टर, 180 में दो मिल रहे हैं, ये यूनिफॉर्म 1450, बाजार 650, ये हो क्या रहा है? ये जूता ये मैंने खुद खरीद करके लाया है, ये 650 का दे रहे हैं स्कूल वाले, ये 250 का है, दोषी कौन है? अरे बाजार में कम कीमत पर है और स्कूल वाले वहाँ से आप लेंगे, बिल भी देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय और श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय, आपकी जिम्मेवारी आन पड़ गई है, ये जो नीचे गंदगी छाई हुई है इस गंदगी को आप साफ करने का प्रयास करें।